We rise and shine. AI is on high. We're learning's divine. Algorithms and codes in Hindi we convey, lighting up minds in the most innovative way. AI is yeah, on high, guiding you through machine learning, deep learning, all brand new in every byte and pixel. Knowledge unfurls empowering India in the AI world. AI is yeah, on high. Guiding you through. तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग। हम लोग अनसुपरवाइज लर्निंग में इन सल्वोरिदम का यूज करके अनसुपरवाइज लर्निंग के जो एल्बोदम होते हैं जैसे के मीन क्लस्टरिंग हो गया या हायरकी क्लस्टरिंग एलगोरिदम हो गया या डीबी स्कैन का एलोग्रिदम जो हो गया उसका यूज करके हम लोग अपने डेटा को क्लस्टर में कन्वर्ट करते हैं हमारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग में अनलेबल डेटा मिलता है और सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा मिलता है तो अनलेबल डेटा में से हमें डेटा का पैटर्न फाइंड करना पड़ता है तो वही डेटा का पैटर्न फाइंड करने के लिए हम लोग डेटा क्लस्टरिंग एल्गोरिथम का कर यूज करके पहले डेटा क्लस्टर बदलते हैं फिर उसके बाद हम उसमें से पैटर्न फाइंड करते हैं उसके बाद हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं या जो भी हमें एनालिसिस करना होता है उसके बाद हम लोग करते हैं अपने मॉडल को लोग डेटा देते हैं मशीन लर्निंग मॉडल को डेटा देते हैं ट्रेन होने के लिए ठीक है तो हम लोग चलते हैं अब एग्लोमेटिव हायर की क्लस्टरिंग के बारे में बात करें उस क्या होती है इसे समझ देते हैं तो देखिए यहाँ पे क्लस्टरिंग के लिए जो है हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं तो कंसिडर फॉलोइंग सिक्स वन डायमेंशनल डेटा पॉइंट हमारे पास छः वन डायमेंशनल डेटा पॉइंट्स हैं ठीक है

एक क्लस्टर में न कन्वर्ट हो जाए और उसके बाद हम लोग उसका फाइनली एक डेंडोग्राम की इमेज डेंडोग्राम का एक हम लोग स्ट्रक्चर तैयार करते हैं ठीक है तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग करते हैं इसको अब सबसे पहले हमने अपना ये डेटा पॉइंट ले लिया ठीक है उसके हम लोग क्या करेंगे विल अप्लाई द द क्लस्टरिंग क्लस्टरिंग टू बिल्ड डेंडोग्राम ठीक है हम लोग डेंडोग्राम बनाएंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे थर्ड स्टेप में विल मर्ज द क्लस्टर यूजिंग द मिनिमम डिस्टेंस एंड अपडेट द अप्रोक्सिमेटी मैट्रिक्स ठीक है हम लोग जो हमारे हमारे क्लस्टर हैं उनके बीच की इंटर क्लस्टर डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे और उसमें जो मिनिमम डिस्टेंस आएगी उसके बाद हम क्लस्टर क्लस्टर की मर्जिंग भी करते चलेंगे के करके अभी आने वाले एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा इसके बाद क्या है विल क्लियरली शो द अप्रोक्सीमेटी मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू ईच एट्रेशन ऑफ द एल्गोरिथम ठीक है तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं जो हमारे पास डेटा पॉइंट थे हमारे छह डेटा पॉइंट थे उनको हमने एक टेबल के फॉर्मेट में हमने यहाँ पे लिख लिया ताकि हम लोग हर एक डेटा पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल सके दूसरे डेटा पॉइंट के बीच की ठीक है अब हमारे पास छह डेटा पॉइंट थे 18, 22, 25, 27, 42, इसी तरीके से सेम मैं इस कॉलम में भी लिख देता हूँ अब मैं क्या कर रहा हूं कि चूंकि इस क्लस्टरिंग में अपना हर एक डेटा पॉइंट को हमें हम लोग एज ए क्लस्टर मानते हैं ठीक है तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं एट्टीन के एटीन के बीच की डिस्टेंस जीरो ट्वेंटी टू और एटीन के बीच डिस्टेंस फोर पच्चीस के बीच की डिस्टेंस सात सत्ताईस के बीच की डिस्टेंस नौ ऐसे बयालीस और अठारह के बीच की डिस्टेंस चौदह फोर्टी थ्री और एट्टीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो ट्वेंटी फाइव ठीक है इस तरीके से हम लोग हर एक क्लस्टर के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे निकाल लेंगे ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे इस जो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म हुआ है इसमें कहां के डिस्टेंस सबसे कम है ठीक है ठीक तो उसको हम लोग चलिए ढूंढते हैं तो इस पूरे मैट्रिक्स में देखिए ये जो वन है यही डिस्टेंस सबसे कम है यही डिस्टेंस है फाइंड द द डिस्टेंस बिटवीन क्लस्टर तो यहां पे सबसे कम है ठीक है तो ये वन डिस्टेंस किसके किसके बीच में फोर्टी टू और फोर्टी थ्री के बीच की डिस्टेंस है ने? ठीक है ना फोर्टी टू और फोर्टी थ्री के बीच में डिस्टेंस है ये है वन ठीक है ना तो हम लोग अब क्या करेंगे देखिए इसको हम लोग अब मर्ज कर देंगे ठीक है यानी कि फोर्टी थ्री और फोर्टी टू को एक में हम लोग मर्ज कर देंगे इस तरीके से हमारा फोर्टी टू और फोर्टी थ्री मिल करके एक हमारा क्लस्टर बन जाएगा ठीक है और यहाँ पे जो हमारा ये ये वाला बिल्कुल फोर्टी थ्री वाला ये ये कॉलम है जहाँ पे मैंने लाइन खींची हुई है और यहाँ फोर्टी थ्री वाली जो ये रो है इसको हटा देंगे और इसको हम लोग फोर्टी टू में मर्ज कर देंगे ठीक है ना चलिए तो अगले स्टेप में दिखा देता हूँ कैसे होगा यहाँ पे देखिए फोर्टी टू फोर्टी थ्री को एक में मर्ज कर दिया और जो फोर्टी थ्री वाला जो हमारा रोज और जो कॉलम थी उसको हमने बिल्कुल हटा दिया रोज और कॉलम हटाएं तो रोज और कॉलम के में जो एलिमेंट हैं वो सब भी हट जाएंगे ठीक है ना यहाँ पे जो लिखा हुआ था ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी वन एटीन सिक्सटीन वन ये सब हमने हटा दिए क्योंकि ये इसका रो और इसका कॉलम हट गया और ये फोर्टी टू और फोर्टी थ्री आपस में मिल कर, करके एक क्लस्टर बना ली ठीक है यहाँ पे मिल गया अब हम ऐसे ही दूसरा एक्ट्रेशन शुरू करेंगे हम लोग दूसरी बार देखेंगे कि अब कहां पे डिस्टेंस सबसे कम है।, है डिस्टेंस किस किस क्लस्टर के बीच में है ठीक है तो इस बार हमने देखा कि ये जो टू है यहाँ पे पूरे क्लस्टर को हमने देखा तो टू हमको सबसे मिनिमम दिखा है टू किस छोटा कुछ यहाँ पे है नहीं ठीक है तो हम लोग देखेंगे कि आखिर में कौन कौन से क्लस्टर के बीच की डिस्टेंस निकालने से हमारे पास टू आया है आपको 25 और 27 के बीच की जब डिस्टेंस निकाला उसको हम लोग हटा देंगे ठीक है ना देखिए ट्वेंटी सेवन वाला ये ये बिल्कुल ये सब हट जाएगा और यहाँ से ट्वेंटी सेवन का ये कॉलम भी हट जाएगा ठीक है ना तो अब अगले स्टेप में क्या आएगा देखिएगा बिल्कुल ये यहाँ से हट जाएगा अगले स्टेप में ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी सेवन एक साथ हो जाएंगे यहाँ पे देखिए ट्वेंटी सेवन एक साथ हो गए और जो हमारा फोर्टी टू फोर्टी थ्री जैसे था बिल्कुल ये वैसे ही देखिए ये क्लस्टर एक दूसरे में आ, मर्ज होते जा रहे हैं फाइनल ऐसा आइट्रेशन करते करते लास्ट में एक ऐसा स्टेप आएगा कि हमारे पास सिर्फ एक क्लस्टर बचेगा और उसी क्लस्टर का हमें डेंडोग्राम ड्रॉ करना होगा तब जाके हमारा एग्लोम हायरियर क्लस्टरिंग का जो हमारा टारगेट है जो हमारा गोल है वो कंप्लीट होगा ठीक है अब चलिए अब देखते हैं अब जो भी हमारा मैट्रिक्स का ये डिस्टेंस दिख रही है इसमें सबसे छोटी कौन सी है? तो पे आपको दिख रहा है थ्री थ्री दिख रही है पे ठीक है तो अगला स्टेप में चलते हैं ठीक है ना यहाँ पे आपको थ्री दिखा अब जो थ्री वाला डिस्टेंस है यानी कि उस इसको हम लोग इसका रोस और इसका कॉलम बिल्कुल हटा देंगे अब ये क्या बच गया बाईस यानी और यानी ट्वेंटी फाइव के अंदर हम लोग ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी सेवन को ऐड कर देंगे मिला करके एक क्लस्टर बना देंगे ठीक है अब देखिए ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी सेवन एक में आ गया फोर्टी टू फोर्टी थ्री एक में आ गया और जो यहाँ पे वैल्यू बची है उसको हमने यहाँ पे रख दिया फिर अगली बार देखेंगे अब कौन सा छोटा सा बच्चा है तो अब अगली अगली बार देखिए फोर बचा हुआ सबसे छोटा तो अब इसको भी हम लोग रोज और कॉलम को हटा देंगे अगली स्टेप में हमारा क्या आया उसको हमने हटा दिया तो अगले स्टेप में हमारा बिल्कुल ये बच गया ठीक है ना तो हमारे पास अब करते करते ये लास्ट में हमारा एक क्लस्टर बच गया ये है फोर्टी टू फोर्टी थ्री ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेंटी टू एंड एटीन ठीक है ना अब इसी क्लस्टर के हम लोग डेंडोग्राम देखिए फोर्टी टू फोर्टी थ्री ट्वेंटी पहले नंबर पे पे क्या क्या था? था? ठीक ठीक है? है दूसरे नंबर ये किससे मिला? से, ना इसको हमने एक में मर्ज कर दिया ठीक है अब फिर उसके बाद हमारा एट्टीन यहाँ पे आया ठीक है उसके बाद हमारा एट्टीन आया अब इसके बाद फाइनली मैंने फोर्टी टू फोर्टी थ्री को मैंने एट्टीन वाले से बिल्कुल यहाँ पे मर्ज कर दिया तो इस तरीके से हमने डेंडोग्राम यहाँ पे अपना ड्रॉ कर लिया तो क्लस्टरिंग का यही मतलब होता है कि हम अपने क्लस्टर के हर एक पॉइंट को बीच की डिस्टेंस निकालते हैं अगर हमारे पास एन पॉइंट्स है एन डेटा पॉइंट है तो हम ये कहेंगे हमारे पास एन क्लस्टर है और हर एक क्लस्टर के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और देखेंगे कौन सा डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट है

वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक ताकि और लोगों को भी इससे लाभ हो सके और आप भी लाभान्वित हो सके तो दोस्तों जय हिंद जय भारत